आज मैं आप लोगों को एक नया चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे घर का मोटर है। मोटर मतलब पानी इससे उठाया जाता है टंकी में। तो इस पर लाइन देने के बाद इसका फॉल्ट क्या है, इसमें लाइन देने के बाद चलता नहीं है, जाम है। और इसे चलाने के लिए यहाँ से लकड़ी हो या कुछ कांटी से इसे पंखी को घुमाना पड़ता, तब ये चलता है। जैसे मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसका लाइन ये है, अब मैं देना नहीं चलता। अब मैं इसे हाथ से घुमाऊंगा तो चलेगा, चल गया ना। अब फिर देखिए, देखिए नहीं चल रहा। फिर मैं हाथ से घुमा दूंगा तब चलेगा। अगर इस प्रकार का फॉल्ट आपके घर में हो, आपके घर में पानी वाला मोटर में अगर इस प्रकार का फॉल्ट हो तो आप किस प्रकार ठीक करिएगा, सीधी सी बात है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। सिर्फ ये कंडेंसर आप खोल लीजिएगा, कंडेंसर खोलकर उसको खाली बदल दीजिएगा। होता क्या है कि बहुत दिन चलने के बाद ये कंडेंसर वीक हो जाता है, कि इसको चेंज कर दीजिएगा। जब भी चेंज कीजिएगा सेम वैल्यू का चेंज कीजिएगा, ये खोल के ले जाइएगा। देखिए 10 mFd है, 10 UF है, 440 वोल्ट का है। तो आप सेम लाइएगा जैसे मैंने एक लाया है, जिसमें पिन सिस्टम है। मेरे पिन सिस्टम मिला नहीं, जिसके चलते हम ये तार वाला ही लेके आए हैं। इसका भी देखिए 10 UF है, 10 UF 440 वोल्ट है ना। अब देखिए इसको हम लगा के दिखा देते हैं। मैंने इसका दोनों क्लिप खोल दिया हूँ। अब मैं इसे जोड़ के दिखा देता हूँ। चलने लगा ना, फिर देख लीजिए। देख लिए कि इस प्रकार अगर आपके घर में भी इस टाइप का फॉल्ट हो तो आप अपने घर में खुद से ठीक कर सकते हैं। मेरे पास कोई फेक वीडियो नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा हम आपको बता देंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मार दीजिएगा एक, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो इस प्रकार का नया नया वीडियो मैं डालता रहूँगा, वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, थैंक यू दोस्तों।